मात्र 100 ग्राम पाई धूलिसात हला स्वर्ण आशा। 50 केजी फ्रीस्टाइल वर्ग रे लड़ी फाइनाल रे प्रवेश करथिले रेसलर विनेश फोगट एवं पेरिस ओलंपिक्स रु भारत प्रथम स्वर्ण आशा उज्जीवित होइथिला। गतकाली क्यूबा प्रतिद्वंदी को 5-0 रे हराई फाइनाल को जाइथिले। ए प्रदर्शन रे सारा देश उल्लसित होइ उठिथिला। हाई वोल्टेज भारत जर्मानी हॉकी सेमी लड़ई मझिरे रेसलिंग फलाफल घोषणा करा जाइथिला। तेबे आज फाइनाल लड़ई पूर्वरु तांको अयोग्य घोषणा देश रे निराशा खेलाइछि। धार्य ओजन 50 किलो ठारु 100 ग्राम मात्र अधिक ओजन पई डिस्क्वालीफाई होइछन्ति विनेश फोगट। ओलंपिक्स नियम अनुसार अयोग्य घोषणा करा जाइछि। एक शुणा पर से चेताशून्य हो पड़े। गतकाली मैच पर डिहाइड्रेशन पई दि जाइथिबा पानीय पई ओजन बढ़ा जाइथिला एवं सबु प्रकार चेष्टा सत्वे ओजन कमिला नाही बोली कहिसेंति भारतीय कंटिजेंटर चीफ मेडिकल ऑफिसर। से गोटे विनेश फोगट को चैंपियन को चैंपियन बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। अयोग्य घोषणा कले मोदी कहिसेंति अयोग्य घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति एही पीड़ा को शब्द रे प्रकाश करि हेउ नाही। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा सहित कथा होई आवश्यक सहायता जोगाई देबा लागि पदक्षेप नेबाक कहिथिले प्रधानमंत्री। वर्तमान आपण देखि पारुछन्ति टेलीविजन पर्दार जो दृश्य पीटी उषा देखा करिछन्ति फोगट को विनेश फोगट जे कि ओलंपिक रो आशा धूलिसात हेबा परे चेताशून्य होइ पड़थिले कथा को सहज भावरे नै पारि नथिले ग्रहण करि पारि नथिले किंतु एहा परे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो अध्यक्ष रहितबा पीटी उषा को प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे अपील पई समस्त प्रयास करा जिवो। भारत मध्य इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मध्य अछन्ति फोगट विनेश फोगट को सहित एहा परे वर्तमान आपण जो दृश्य देखुचंती जे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो अध्यक्ष पीटी उषा विनेश फोगट को साक्षात करिसंती। विनेश फोगट को पई बहुत दुख लागुची जे आ भारत रे जेमति आमे माने पदक मरुडी रे अछु पाखापाखि 3टी ब्रोंज आम को मिलिची एवं गोटे आशा उज्जीवित होइतिला जे नीरज को ऊपर जेमति आशा अछि गोल्ड रे सेमति भगत के ऊपर मध्य थिला। काली से चमत्कार खेली थिले किंतु तांका पई मन दुख होउची जे से एते एफर्ट देला परे मध्य काली राती रे हटात से मापिला बळको तांका रोजन 2 केजी अधिका थिला एवं सेटा बढ़ी जाए कारण जो 3-3टा बाउट से खेली छथि इन बिटवीन से जते बळे किछि किछि नियंती फूड सप्लीमेंट नियंती ये नियंती सेते बळे तांका बढ़ी जाए एवं ताकु एटा जनरल कथा जो माने रेसलर माने जो जो वेट कटर करथिन तांका ताके टिके अधिका बढ़ी के थाए ताकु से माने मैनेज करिकि पुनी आसथि कंपटीशन को एवं सेति पई तांकु बहुत किछि एक्टिविटी करियो पड़े। आपण जानिथिबे जे हमर जे माने 60 भाग आम बॉडी रोचे जल तेणु मेनली से माने डिहाइड्रेट करती बॉडी की कमल घोड़ी हमती आपंकर स्कीपिंग करती जगिंग करती जहाँ कि झाड़ फाड़ बोई जीव तेनालीरु से मैनेज करती। काली जो 2 केजी अधिका था सीटा कमे कमे से आनते कि देखा बेलू आज जो सका क्या रेसलिंग फेडरेसन नियम अनुसार से दु दिन जाक जो कंपिटन हो 2 दिन जाक 50 केजी जो भाग नौ 50 केजी भितर रहा कथा तेणु काली 50 केजी थी भाग नहीं थी और आज सका जो फाइनाल थी सका वेट निगला से 100 केजी अधिका थी एवं इंडियन मैनेजमेंट रेसलिंग फेडरेशन को निश्चित भाव रिक्वेस्ट करता आपको अधिक टाइम दिखते सी दे आद्वारा कौन हम ना जे ब्रोंज मेडल और जे अमेरिकन सा गोल्ड मेडल सी गोल्ड मेडल डायरेक्ट पाइले कि सिल्वर मेडल ये क्या दिजावन यार रेसलिंग फेडरेशन रूल्स अनुसार कौन हुए ना जो दिन मैच थाए फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे जो दिन भी मैच थाए से दिन वेटा निया मेडिकल एक्जामिनेशन कराए टू सी एंड टू चेक दैट से जो वेट कैटेगरी रे पार्टिसिपेट करुछंती सेटा फेयर अच्छी कि नाई सो दैट तांकर ओपोनेंट को भी गोटे फेयर चांस मिलिबो एंड ये देर इज अ लिटिल फेयर प्ले। आज जब से वेट पार्टिसिपेशन पाई जो स्पोर्ट्स थाए जे वेट कैटेगरी रो से पार्टिसिपेट करुथिले सेठी जब तांकर आज वे निया गला सेतेबेले तांकु 100 to 150 grams अधिक पाएले सेथिमे तांकु डिस्क्वालीफाई कर दिया गला। ना जदि आमे बुझियो को चाहिबो से वेट फॉर पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखे रेसलिंग वेट लिफ्टिंग एगुड़े सो एठी कौन हो ना तांकर जो 50 किलो कैटेगरी से पार्टिसिपेट करुले तो से भीतर ही रहा उचित थिला। द कैलकुलेशन फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट व्हिच इज डन इज एथलीट स्पेसिफिक एंड विनेश्स न्यूट्रिशनिस्ट फेल्ट दैट द यूजुअल अमाउंट दैट शी टेक्स इज अबाउट 1.5 किलोग्राम्स टोटली ओवर द डे व्हिच गिव्स इनफ एनर्जी फॉर द बाउट्स। Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased
more than normal. And the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. अधिक सूचना पाए मो सहयोगी प्रवीण कुमार साहू अच्छा प्रवीण गोटे पटे 2 किलो ओजन रु प्रयास करी करी 1 किलो 900 ग्राम मध्य से कमेई यहाँ को भी तो देखा पड़ो कि 100 ग्राम पर डिस्क्वालीफाई हेले सबू आशा धूलिसात हो गला ओलंपिक रो अनेक प्रयास तांकर करथिले अनेक चेष्टा करथिले से एवं ओजन कमेवा पई किंतु सफल होई पारे नथिले आपण एक कथा भी जानि छथि गणमाध्यम रे खबर जो कथा प्रकाशित होउछि जे बराती सारा से चेष्टा करथिले ओजन कमेवा पई एमिति के से पानी भी पी नथिले एमिति भी अनेक रेसलर अछन्ति जो माने सीनियर रेसलर अछन्ति से माने मध्य निज प्रतिक्रिया रे कहन्ति जे एमिति अनेक संघर्षर सामना करबाकू पड़े सेमानुकू मध्य पड़ीछि मध्य एवं ये विनेश फोगटकर कथा नहि अनेक रेसलर एई फेस करिसेंती एवं एही समय जेतेबेले ओजन रो काउंटिंग करा जाय ओजन को मपा जाय से माने जिंसटा को जगंती विभिन्न समय रे कार्बोहाइड्रेट रो आवश्यकता पड़ी थाए बहुत समय रे माने पानी भी पी न थांती काली से मानकर ओजन बढ़ी जीव एति पई तांकर डर थाए सकाळ सकाळ आगे ओजन करैबे ओजन मापेबे ता परे परे से माने किछि आहार ग्रहण करंती कोनोसी पानी से माने सेवन करंती पानी पी थांती किंतु एही जगह रे देखंतु 100% चेष्टा कला परे भी से तांकर ओजन को कंट्रोल करि पारि नाहंती एवं मात्र 100 ग्राम पई आज हमकु एही दिन देखबा को पडुछि जेतेबेले कि आज मध्यम देखि पारछु प्रवीण जे प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहिले समस्त प्रकार प्रयास आमे करिवु अपील करा जीव जदि संभव तह जदि कोनोसी प्रकार समाधान रो बाटो बाहरि पारे कि पीटी उषाक सहित कथा कथा होइथिले प्रथमे पीटी उषा जाई विनेश फोगट को मध्य साक्षात करथुवार दृश्य आमे दर्शक को देखौछु बिल्कुल आम तरफ रु आमे प्रयास करिबा किंतु ए कथा संभव नहि या पूर्वर जो भी आथलीट मैंने जो भी रेसलर मैंने यही चेषा करज अपिल कर आमर अधिकार अच्छे आम अपिल करपर कि अनेक क्षेत्र में अपिल कलापर भी सफलता मिले ना कारण ये ओलंपिक्स रोटे स्वतंत्र नियम अच्छी ये नियम को FIS तैयारी ए नियम को समस्त को मानवाक पड़ो FIS रे जहाँ नियम रही अनुसार ही खेला मानक प्रस्तुत होगा पड़ी था खेला मैंने यही निजक जगी था निजक मेन्टेन कर रखि था जे एत बड़ बड़ टूर्णा जमी समस्या सामना से माने करें प्रधानमंत्री मोदी भी आपड़ जानते जो जगार कही चंपिन को चंपिन बोली धर्य धरवा से कारण देशर मुखिया जदि ये जगह आश्वासना दौंट जो जगार विनेश फोगट को ये बहुत बड़ कथा एवं भारत ओलंपिक्स कमिटी चेष्टा करमी आउ थे अपिल करु जेहेतु ये जिनसा घोषणा हो सारी अपील कले भी कौन फायदा मिलना यह गणमाम जहाँ चर्चा किंतु आमे ओलंपिक्स प्रेमी हिसाब से देश लोक भल पाता व्यक्ति विशेष हिसाब से एक ग्रहण करवा उचित कारण यही जगह आम जदि सबकि ठीक ठाक था आम ए आलोचना करूँ वर्तमान क्षेत्र में जे खेला हिसाब से विनेश फोगट किभर स्थिरता आने मन केमी स्थिरतार आसता केमी ग्रहण करेंगे स्वाभाविक केमी ग्रहण करेंगे यह दैनंदिन जीवन में केमी पुणि थे फेरबे कारण पूरा देश अच्छी सहित एनसी प्रकार द्विधा ना जे 100 ग्राम बोध हुए गोटे ओलंपिक रो सफलता को बदल पारे किंतु भविष्य तो नुह बिल्कुल एक स्पष्ट खेला जीवन ही बहुत स्ट्रगल रही था संघर्षमय रही था आपड़ जानते जमी निजे अनेक साक्षात्कार विनेश फोगट कहते केमी से निजक प्रस्तुत करते अनेक समय पर्यंत बहुत विधि विधान सहित से मानक रहिबाकु पड़िथाय आपण जानिछंती किछु समय पूर्वरु मध्य तांको परिवार लोक मध्य तांकर परिश्रम तांकर संघर्षर कथा कहुथिले एवं कहिला बेळकु तांको परिवार लोकंकर आखिरु भी लुह चली आसुथला से माने जानिछंती से माने देखिछंती विनेश फोगटकर परिश्रम को एवं विनेश फोगट एमती से ओलंपिक्स को आसी नहांती एमती से ओलंपिक्स रो फाइनल को चली आसी नहांती ता पई दीर्घ 10 वर्ष धरि से परिश्रम करिछंती 2016 रियो ओलंपिक्स रे विफल हेले पुणी 2020 जीवन संघर्षमय सफलता शीर्ष पहुंचार
କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ହିଁ ଅଲମ୍ପିକ ବା ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଖେଳରେ ହାର ଜିତ୍ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଏମିତି କିଛି ସ୍ତବ୍ଧତା ଆଣିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଚିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା 50 କିଲୋରୁ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ରହିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନେଶ ଫୋଗଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାହୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।